तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद तो आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब जो हम शुरू कर रहे हैं, पांच बहुत बड़े बिग प्रोजेक्ट क्रेब फार्मिंग, फिश फार्मिंग पे। आज हमारा टॉपिक है क्रेब बिग प्रोजेक्ट। क्रेब बिजनेस में एक बहुत बड़ा बिग प्रोजेक्ट, ये आप जो देख रहे हो, ये कराची की कोस्टल एरिया है, मिनोड़ा। कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। अगर बदकिस्मती से हम समंदर के किनारे पाकिस्तान वाले रहते हैं, कराची में 1.5 करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ की आबादी में 10% भी ये मछली समंदर की नहीं खाते हैं, 1% या 2% भी क्रेब का सूप या क्रेब नहीं खाते। ये बहुत बड़ी किस्मती, बदकिस्मती। जितने भी बड़े बड़े मुल्क, बैंकॉक, थाईलैंड, इंग्लैंड, चाइना, जापान, ब्राज़ील, लंदन, ये सारे खरबा डॉलर इन समुद्रों से कमाते हैं, क्रेब के फार्मिंग लगा के, क्रेब की होटलिंग करके वो कमाते हैं बे इंतहा। मगर हम जो है ना, ये बैंका का एक होटल है जो पानी पे तैर रहा है, ठीक है ना, होटलिंग वहाँ लाखों, और ये हमारे होटल कितने छोटे से, एक छोटा फिशमैन का छोटा सा मछली का एक दुकान खोलेगा, वो भी इतनी बदबू होगी कोई आदमी खड़ा भी नहीं हो सकेगा। ये 31 अक्टूबर 2021 को इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये इस तरह का कोस्टल एरियाज हमारे गवादर में है, बलूचिस्तान के डाम बंदर पे है दूसरा यूनिट, तीसरा है मिनोड़ा पे, अल्हम्दुलिल्लाह वेल डेवलपमेंट हो चुका है, और चौथा क्लिफ्टन विलेज होटल के आसपास आदमी बेहतरीन समंदर में क्रेब फार्मिंग के लिए अपना प्रोजेक्ट लगा सकता है, चौथा है इब्राहिम हैदरी, पांचवा है केटी बंदर। आप यकीन करें, जो क्राइसिस या पाकिस्तान में या वर्ल्ड लेवल पर चल रहे हैं, जो अपने प्लाटों में काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वर्ल्ड लेवल पे बैठ गई है। दुबई की प्रॉपर्टी के जो डीलर हजरात है वो कंगाल हो गए, 30-50-60% बैठ गई है दुबई की जो प्रॉपर्टी के जो डीलर हजरात काम करते थे, और जो यहाँ पाकिस्तान में करते थे वो भी तकरीबन 30% बैठ गई है प्रॉपर्टी पे जो काम कर रहे हैं। तो यार, यहाँ निकले, आपका ये समंदर है, आपकी ही चीज़ें हैं, ये जो अपना कैमाड़ी के नज़दीक आप देखें, ये चीज़ें आपके लिए ही बनाई गई हैं। आप निकले, अपने पैसा इन्वेस्ट करें, ब्लैक मनी यकीन करो यहाँ ना वाइट हो जाएगी, यकीन करो, ठीक है ना। दो प्लाट बेचो, करना क्या अभी बताता हूँ। ये देखो, ये फार्म इस तरह है, नीचे जनाब अली 10x10 के पॉन्ड्स बने हुए हैं, और ये पूरा खड़ा हुआ है पाइप हाउस पे ना, जो ड्रम आते हैं प्लास्टिक के केमिकल के, उन पे ही खड़ा है सारा पूरा ढांचा। ये बैंकॉक की तस्वीर है, ये यहाँ लोग बैंकॉक शहर से निकल के 10 आधा घंटे के जर्नी पे इस तरह बने हुए हैं। ये बैंकॉक के ऊपर की तस्वीर है, शहर से बाहर वो, ये जो है ना, ये होटल बने हुए हैं, फार्मर बने हुए हैं, होटल फार्म, होटल क्रेब के फार्म किस तरह बने हुए अभी से बताता हूँ। ये इस तरह की झुग्गी बनी हुई है, अगर हम वेल इस्टेब्लिश करके ये 100 इस तरह के हम क्रेब फार्म लगाएं, सिर्फ क्रेब फार्म, उसमें करना क्या है वो बता देता हूँ। अभी कास्टिंग बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये बेका के होटल हैं, जी भर के एंजॉय कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं, क्रेब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खरबा डॉलर कमा रहे हैं, आपके पास 50% क्रेब जो है वो मर जाता है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ कोई स्पेशलिस्ट नहीं है होटलिंग में, कुक नहीं है स्पेशलिस्ट,
वो जनाब इसको जो फार्मिंग में अगर स्पेशलिस्ट होगा, बैंकॉक से अगर आप बुलाएंगे एक दो आदमी हायर करेंगे तो आप ये प्रोजेक्ट बेहतरीन नमूने चला सकते हो। मैदान खाली पड़ा है पूरा, ये पूरा खाली है भाई, कोई नहीं, कोई लगाने वाला हो न, बिल्डिंग का खर्चा न जनाब याली, कोई एक रुपया भी खर्चा नहीं है बिल्डिंग पे, प्लाट पे। समंदर है आपका बलोचिस्तान से लेके बदिंग तक आपके लिए पड़ा हुआ, इंतजार कर रहा है। ये प्रोजेक्ट की कास्ट बताता हूँ, फिर बताता हूँ किस तरह। देखो ये तला है छोटे छोटे, ये लकड़ी से बनेंगे 10 बाय 10 के, नीचे जाल लगा होगा उसमें हम वो क्रेप डालते हैं। आप इब्राहिम हैदर इसे खरीदो, खरीद के इन पौंडों में फेंक दो। कम से कम 100 इस तरह जनाब अली पौंड चाहिए, छोटे तला चाहिए, ठीक है, कम से कम 100। वो आप खरीदे, आप तला में फेंक दें, एक दिन के लिए खुराक दे दें, दूसरे दिन एक्सपोर्ट कर दें। 50% करीब मर जाता है, आधा करीब मर जाता है, खरबा डॉलर का हम नुकसान करते हैं। यहाँ जो तकरीबन 100 के करीब पैकिंग यूनिट बने हुए हैं, उसके पास ये जनाब अली के पॉन्ड्स नहीं है, तला नहीं है, ये जिंदा पहुँचाना होता है। एक सेकंड, ये तस्वीरें बैंकॉक के ना क्रेब के फार्मिंग की, लकड़ी का जड़ा, ये ऊपर प्लेटफार्म है, नीचे ड्रम लगे हैं, बीच में जनाब 10 बाय 10 के ये कमरे बने हुए हैं, 10 बाय 10 के, वहाँ नीचे जाल लगे हैं, जाली में जनाब ये डालते जा रहे हैं। आप इब्राहिम हैदरी से कहते हो इसमें फेंकते जाओ फेंकते जाओ, वहाँ आपको सस्ता मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 600 रुपया किलो, ठीक है, 600 रुपया किलो। और आज जो चल रहा है जो किलो वो 10 डॉलर, 10,170, वहाँ जाएगा 1700 में, 600 वाला 1700 किलो। यहाँ 50% मॉर्टलिटी आती है क्योंकि इनके पास इस तरह के तालाब नहीं है, इस तरह के पॉन्ड्स नहीं है। कुछ नहीं करना है, इब्राहिम मैदरी से खरीदो, इन्वेस्ट करो, किस कितने जना तला 100 छोटे पैमाने पे, 50 लाख उसका खर्चा है, खरीदारी के लिए सिर्फ 5 लाख, सिंपल। एक महीने की रोलिंग करो, दूसरे महीने पैसे आ जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ ब्लैक मेलिंग नहीं है, जैसे ठेकेदारी में हम 50% कमीशन देते हैं ऑफिसरों को, हम जनाब अली खजूर मंडी में आप काम करेंगे तो जनाब हर 40 किलो पे 200-300 पर खा जाते हैं व्यापारी। आइए गंदम पे जाते हैं, मार्केट है 2000 का सरकारी रेट, तो हम वहाँ जो सेल करते हैं 1600-1700, एजेंट खा जाता है, आड़त वाले खा जाते हैं, यहाँ कोई आड़त वाला नहीं। मजबूरी है जनाब छोटे व्यापारी के कि आपको सेल करें, नहीं तो मर जाएगा, मर गया तो जीरो हो गया, वो नुकसान है। वो भागेगा कि कोई हमसे खरीदे या एक्सपोर्ट कर देते हैं। कम से कम सब छोटे 100 छोटे यूनिट लगे हुए हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं बैंकॉक और चाइना को, वो जो वहाँ समंदर से जो पकड़ के आ गए उनकी मजबूरी है, अगर इनको सेल नहीं कर दे तो ये मर जाएगा, क्योंकि 2 या 3 दिन पहले ही समंदर में लग गए। आप उनसे खरीदो, 2 जनाब 4 या 10 कश्तियाँ ले लो, आप उनके छोटे छोटे जो कोस्टल एरिया से वहीं से ही खरीदो, आके अपने फार्मों में फेंक दो। छोटा सा काम है, इन्वेस्ट कितनी है 55 लाख में, समझ जाओ कुछ भी नहीं है 55 लाख में। तो यहाँ सखर में दोस्त मेरे दोस्त हैं गैरेज, जितने भी हैं जिनको जानता हूँ, वो प्लाट लेते हैं, प्लाट जो हमारे रोड से कम 2 या 3 फुट नीचे है, जहाँ ना बिजली है ना गैस है, लेके फेंक के बैठे हुए करोड़ों रुपए, अरबा रुपए सब के जनाब अली आवाम के फंसा के, अपने फंसा के बैठे हुए हैं। यहाँ बिजनेस के लिए कोई निकलता नहीं है। देखो इस तरह के होते हैं, ये होटल है उन लोगों का, बैंकॉक कोरिया साउथ कोरिया, यहाँ लोग आते हैं, ये इनके फार्म है। 100 अगर आप लगा के, अभी होटलिंग की आगे चल के हम बात करेंगे, इस वक्त चल रहा है इस फार्म की, ये फार्म अगर 100 लगा के वहाँ इब्राहिम हैदरी से जनाब अली डाम बदर से केटी बदर से खरीद करके यहाँ फेंक दो, एक दिन खुराक दो, जिंदा खरीदो खुराक दो, दूसरे दिन एक्सपोर्ट कर दो। कैश बिजनेस है, कैश का कोई यहाँ काम करने वाला
नहीं है, इन्वेस्ट करने वाला नहीं है। बिजनेसमैन पता नहीं क्यों डरता है, मछली में इन्वेस्ट करता है, क्रेप में कोई नहीं कर रहा। सो ये इंतजार कर रहे हैं, ये एरिया आपके लिए खाली पड़ा है। ये समंदर में जनाब अली सिर्फ आधे किलो के ड्राइव पे, जनाब अली 1 मील पे दूर, 1 किलोमीटर दूर, या फार्मिंग करें, ठीक है जनाब भाई, फार्मिंग करें और स्पोर्ट करें। हम नारे तो ज्यादा लगाते हैं, अजरक भी ठीक ठाक पहनते हैं, खुदा रहा ये अजरक, ये टोपियां पहन के यहाँ आके कारोबार करो। बलोचिस्तान वाले बकरियां तो चारेंगे, सरदार वहां बैठे हुए ने, अरे सरदार साहब निकलो, डाम बदर खाली पड़ा है, गड्ढा और डाम बदर खाली पड़ा है, गवादर खाली पड़ा है, ये पूरी एरिया इसी तरह, जाओ वहां बिजनेस करो, कारोबार करो। ये इनको कम से कम इस कारोबार में, अगर मेरा जैसा बंदा, हम लगे थे काम, ने हमने किया था, वो उस्ताद हमारा फोत हो गया तो बिजनेस खत्म हो गया। हमारे पास 2,500 मुलाजिम थे, यहाँ कम से कम 50,000 लोग या नौकरी में भी लग जाएंगे, वो अपना कमाएंगे, आपके ऊपर बोझ भी नहीं होंगे, सिर्फ आप इन्वेस्ट करने की देर है। ये आपके पाकिस्तान अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है, ये एरिया आपके कारोबार का इंतज़ार कर रही है, ये एरिया आपकी कह रहे फार्मिंग के लिए इंतज़ार कर रही है, ये इलाके, ये कोस्टल एरियाज आपको इस्तकबाल करेंगे, यहाँ हजारों लोगों का रोजगार लगेगा अगर करीब फार्मिंग में इन्वेस्ट करोगे तो। मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मेरा काम हो गया पूरा, ठीक है, मुल्ला की ड्यूटी है अजान देना, नमाज कोई पढ़े या न पढ़े। खुदा हाफिज़।